हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तपड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने देखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर वर्चुअल क्या है, वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन देखेंगे कि सी प्लस प्लस में वर्चुअल फंक्शन क्या है। वर्चुअल फंक्शन का प्रयोग जो इससे पहले जो वीडियो बनाया था अपनों ने पॉलीमॉर्फिज्म, यानी उसमें के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। आज मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वर्चुअल फंक्शन को अलग से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वैसे ये प्रोग्रामिंग में जो पिछले वीडियो में प्रोग्राम बनाया था पॉलीमॉर्फिज्म का, उसके अंदर इसका उपयोग किया गया था और उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसके बारे में आज का थोड़ा विस्तार से इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, वर्चुअल फंक्शन को थोड़ा ढंग से इसको समझते हैं कि वर्चुअल फंक्शन होता क्या है। देखो स्टूडेंट, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन सी प्लस प्लस भाषा के अंदर जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म का सिद्धांत है उसको पूरा करने के इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या हुआ, बहुरूपता। यानी आप एक काम को या एक काम को कई अलग अलग रूप में प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं या करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक आदमी एक घर में क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, मौसा भी हो सकता है, और बाहर वो कस्टमर भी हो सकता है, सेल्समैन भी हो सकता है, या कोई इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। तो वो आदमी एक है लेकिन उसके कई अलग अलग रूप हैं। तो यही रूप क्या कहलाता है आपका, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के सिद्धांत को पूरा करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस भाषा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करने के लिए आप वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वर्चुअल फंक्शन एक तरह से अपने समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए क्लास आपकी ये ए है, इसमें मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन बनाया void display नाम का, और मैंने क्लास बी बनाई, इसमें भी मैंने क्या किया कि मैंने इसको क्या किया void display नाम का, इसमें भी मैंने क्या फंक्शन बनाया है। इस क्लास को मैंने क्या किया, इससे इनहेरिट किया है क्लास ए। तो मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, क्लास को इनहेरिट किया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने ये जो फंक्शन बनाया है वर्ड डिस्प्ले, और ये फंक्शन बनाया है वर्ड डिस्प्ले, इन दोनों का नाम, इन दोनों फंक्शन का नाम और इनका सिग्नेचर, सिग्नेचर यानी इसके आर्गुमेंट की संख्या, इसका रिटर्न टाइप, सभी क्या है, एक समान है। सभी क्या है आपका, एक समान है। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आप बेस पॉइंटर बनाते हैं, यानी बेस पॉइंटर का मतलब अगर आप बेस क्लास में पॉइंटर बना के किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के पॉइंट करके आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो क्या होगा, अगर आप बिना वर्चुअल फंक्शन का बनाया है तो क्या होगा कि आपका हमेशा बेस क्लास का फंक्शन ही क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। यही आपका फंक्शन क्या होगा, हमेशा एग्जीक्यूट होगा। आपका डिराइव्ड क्लास का फंक्शन जो इसी नाम का है, सेम इसी सिग्नेचर का है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब इनहेरिट करते हैं तो इनहेरिट में क्या होता है कि आपके बेस क्लास के सभी गुण क्या हो जाते हैं, आपके डिराइव्ड क्लास में आ जाते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जिस प्रकार का वो फंक्शन, वो फंक्शन उठता है उसी प्रकार का आपका रहता है। अगर ये प्राइवेट भाग में है तो आपका प्राइवेट होगा, अगर पब्लिक पार्क, अगर आपने क्या नाम इसको पब्लिक भाग में डिवाइड किया है, इसे डिफाइन किया है, तो क्या होगा आपका, ये पब्लिक भाग में आ जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका एक क्लास का जो बेस क्लास का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि आपके जो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को या फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि क्या हो कि सेम सिग्नेचर सेम नाम का फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको बेस क्लास में उस फंक्शन को वर्चुअल प्रकार का बनाना पड़ेगा। वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए आपको वर्चुअल कीवर्ड लिखना होगा, और वर्चुअल कीवर्ड लिखते क्या हो गया कि अब ये फंक्शन क्या बन गया आपका, वर्चुअल प्रकार का बन गया है। यानी अब इस फंक्शन को या बेस पॉइंटर के द्वारा इंडिकेट करते हुए बाकी जितनी भी आपने क्लास को डिवाइड की है उसमें सेम नाम सेम सिग्नेचर के फंक्शन को आप बेस क्लास के पॉइंटर का यूज करते हुए आप पॉइंट करके आप उसको यूज में
ले सकते हैं उसको ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए या उसके ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हुए आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो वर्चुअल फंक्शन इस प्रकार या इस तरह आपका यूज में आता है। अपने इसको थोड़ा और अच्छा एक प्रोग्राम से समझते हैं। अपने एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे कि दो क्लास बनाएंगे, क्लास एक बनाएंगे और क्लास बी बनाएंगे। उसको क्या करेंगे दोनों को इनहेरिट करेंगे, क्लास ए को क्लास बी में क्या करेंगे इनहेरिट करेंगे, डिराइव करेंगे। और क्या करें दोनों में क्या बनाएंगे सेम फंक्शन बनाएंगे। जो फंक्शन आपका ए क्लास में वही फंक्शन क्या होगा आपका बी क्लास में भी होगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे एक फंक्शन को अपने बनाएंगे वर्चुअल और एक अपने वर्चुअल नहीं बनाएंगे। और इससे अपने देखेंगे कि इस फंक्शन जो जो आपने वर्चुअल फंक्शन बनाया है उसका क्या इफेक्ट प्रोग्राम में पड़ रहा है, और आपने जो फंक्शन आपने वर्चुअल नहीं बनाया है उसका क्या इफेक्ट प्रोग्राम में पड़ेगा। इसको अपने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे केवल मैसेज प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे केवल मैसेज के द्वारा इसको देखेंगे कि ये प्रोग्राम किस प्रकार से बना है आपका और इसका इफेक्ट प्रोग्राम में किस प्रकार का आ रहा है। एक तो वर्चुअल फंक्शन और दूसरा आपका नॉर्मल फंक्शन का क्या इफेक्ट प्रोग्राम में आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपनी हेडर फाइल हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ये दो हेडर फाइल होगी। अब क्या करेंगे अपने क्लास बनाते हैं। तो मैंने क्लास लिखा वहां पर मैं क्लास, क्लास का नाम मैं देता हूँ बेस ही देता हूँ मैं। क्लास आपकी कौन सी है बेस, जिसको आपके समझने में आसानी होगी कि बेस और डिराइव क्लास कौन कौन सी है। तो मैंने क्या क्लास बेस दे दिया जो आपकी क्लास यहाँ से शुरू हुई। मैं बेस क्लास के पब्लिक भाग में क्या कर रहा हूँ कि दो फंक्शन बनाऊंगा। मैं इसमें किसी प्रकार का किसी ऑब्जेक्ट का या डाटा मेम्बर का प्रयोग नहीं कर रहा, मैं किसी वेरिएबल का या डाटा मेम्बर का प्रयोग इसमें नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्लास में केवल दो फंक्शन बना रहा हूँ बेस क्लास के अंदर, जो क्या आपके क्लास के पब्लिक भाग में है। तो मैं लिख दिया पब्लिक सेमीकोलन, सॉरी कोलन निशान लगा दिया। अब इसमें मैं फंक्शन बना रहा हूँ, एक बनाऊंगा डिस्प्ले और एक बनाऊंगा शो। क्या बनाऊंगा मैं, एक बनाऊंगा डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा और दूसरा क्या बनाऊंगा मैं शो फंक्शन बनाऊंगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर void डिस्प्ले, और इसका जो पैरामीटर है आपका आर्गुमेंट वो भी क्या आपका void प्रकार का है। तो ये आपका फंक्शन बन गया। ये फंक्शन क्या काम करेगा, इसमें अपने क्या करेंगे केवल एक मैसेज प्रिंट कराएंगे सी आउट, और मैसेज में क्या देंगे उसी क्लास का नाम देंगे और उस फंक्शन का नाम देंगे, जिससे पता चलेगा आपको आउटपुट में कि आपको समझने में आसानी होगी कि कौन से क्लास का कौन सा फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ है। तो मैंने लिखा सी आउट स्लैश एन, क्लास कौन सी आपकी बेस क्लास है, तो मैंने क्या लिख दिया बेस क्लास आपका डिस्प्ले, इतने लिख दिया। चलो मैंने डिस्प्ले दिया, इससे समझ में आया कि आपका ये क्या हो सकता कि डिस्प्ले फंक्शन आपका एक्सेस हुआ एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये फंक्शन यहां हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम क्या है सो, जिसका नाम क्या है सो। अब जो सो फंक्शन बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा मैं वर्चुअल प्रकार का बनाऊंगा। तो मैंने दिया यहां पर वर्चुअल फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको वर्चुअल कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो मैंने दिया वर्चुअल void, इसका रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नाम क्या है सो हो गया, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है वो भी आप क्या है void प्रकार का है। इसमें भी क्या करेंगे अपने केवल मैसेज देंगे। तो मैंने लिख दिया यहां पर सी आउट स्लैश एन बेस क्लास सो फंक्शन, ये आपने इसमें एक दूसरा कर सकते हैं। चलो और समझने के लिए बेस क्लास वर्चुअल फंक्शन,
वर्चुअल शो फंक्शन कर देता हूँ इसमें, तो समझने में ये मैसेज आएगा तो आसानी होगी आपको, वर्चुअल शो फंक्शन। ये मैसेज आ गया, ये फंक्शन यहाँ पे बंद हो गया और ये क्लास भी आपकी क्या होगी यहाँ पे बंद हो गई। फंक्शन और क्लास दोनों क्या होगी आपकी बंद हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि क्लास एक क्लास वो बना रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास डिराइव्ड, क्लास क्या लिखा मैंने डिराइव्ड, जिसको क्या करता हूँ इनहेरिट करता हूँ और उसका जो विजिबिलिटी मोड है वो आप रखते हैं पब्लिक। पब्लिक किसे डिराइव कर रहे हैं अपने बेस क्लासेस को डिराइव कर रहे हैं, तो मैं लिख दिया आगे बेस। अब इसमें भी क्या करेंगे कि अपने यही फंक्शन बनाएंगे इसके भी पब्लिक हिस्से के अंदर, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर पब्लिक, इसमें भी कौन सा फंक्शन आपका बॉडी डिस्प्ले, जो सेम सिग्नेचर का होगा और सेम नाम का होगा, तो मैंने दिया void display और void। इस फंक्शन में भी क्या करेंगे अपने, इसमें भी अपने केवल मैसेज प्रिंट कराएंगे स्लैश एन derived क्लास डिस्प्ले, ठीक है, ये आपका मैसेज आपका क्या हो जाएगा आउटपुट में आ जाएगा, ये आपका फंक्शन खत्म। अब इसी में क्या करेंगे अपने, जो अपना void show जो अपना फंक्शन बना हुआ था वो आपका क्या था वर्चुअल प्रकार का था, तो वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास में बनता है, तो मैंने इसको यहाँ बना चुका हूँ, तो अब मैं केवल क्या इस फंक्शन का यूज कर सकता हूँ derived क्लास के अंदर, मैं उसको मैं साथ में डिफाइन भी कर सकता हूँ सेम नेम और सेम सिग्नेचर के साथ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अपने यहाँ पे void show, इसमें भी क्या दे दिया इसका आर्गुमेंट void प्रकार का, इसमें भी अपने क्या कर रहे हैं मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, derived class show function, show कर दिया मैं, चलो इतने कर दिया, और ये फंक्शन आपका खत्म और ये क्लास भी यहाँ पे क्या होगी आपकी खत्म हो गई। अब मैंने क्या किया देखो, आप यहाँ पे समझते हैं कि मैंने क्लास बनाई है बेस, कौन क्लास बनाई है मैंने बेस क्लास बनाई है, इस बेस क्लास के पब्लिक भाग में मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, एक फंक्शन आपका है वर्चुअल प्रकार का और दूसरा फंक्शन है आपका नॉर्मल फंक्शन, जो आपका डिस्प्ले है वो आपका नॉर्मल फंक्शन है, क्योंकि मैंने इसके आगे void कीवर्ड सॉरी वर्चुअल कीवर्ड का प्रयोग नहीं किया तो ये वर्चुअल फंक्शन ही बना है। तो ये आपका इसका जो डेटा टाइप है वो आपका क्या void है, फंक्शन का नाम डिस्प्ले है और इसके आर्ग्यूमेंट भी क्या आपका void प्रकार का है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है कि आपके केवल एक मैसेज को प्रिंट कर रहा है, मैसेज क्या लिख रहा है बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन, यही ये समझने में आसानी होगी, जब आउटपुट आएगा तब आप समझ जाओगे कि कौन सा फंक्शन आपका कॉल हुआ है। तो ये आपका ये मैसेज आएगा लिखा हुआ क्या आएगा बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन, ये फंक्शन काम इतना ही तो बंद कर दिया। अब मैंने जो एक शो नाम का फंक्शन बनाया है वो किस प्रकार का आपका वर्चुअल प्रकार का है, वर्चुअल फंक्शन एक बात जानना, वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास में बनता है, कहा बनता है आपका ये हमेशा बेस क्लास बनेगा, तो मैंने आगे वर्चुअल कीवर्ड लगाया, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या आपका वर्ड प्रकार का है, फंक्शन का नाम शो है और इसका आर्गुमेंट क्या आपका वर्ड प्रकार का है। ये फंक्शन में क्या कर रहा है कि मैसेज प्रिंट कर रहा है बेस क्लास वर्चुअल शो फंक्शन, ये आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये आपका फंक्शन बंद और आपकी क्लास बंद होगी। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक क्लास वो बनाई है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया डिराइव, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ डिराइव कर रहा हूँ किससे बेस क्लास से, तो मैंने क्या लिखा फॉलोइंग के निशान, इसका जो विजिबिलिटी मोड है वो आपका किस प्रकार का है पब्लिक प्रकार का है और किससे डिराइव हुआ आपका बेस क्लास से, इसको डिराइव किया गया है। इस क्लास में भी मैंने क्या कर रहा हूँ कि मैं यही फंक्शन बना रहा हूँ इसके अंदर, इसके भी क्या किया मैंने पब्लिक भाग में मैंने एक void display फंक्शन बनाया है जिसका नाम और सिग्नेचर सेम क्या है आपका बेस क्लास वाला ही है void display और आर्ग्यूमेंट क्या void है, तो आपका void display आर्ग्यूमेंट क्या है void है। ये भी क्या कर रहा है कि आपका एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, क्या कर रहा है derived class display function, ठीक है, और इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ
कि इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, 100 फंक्शन बना रहा हूँ। 100 फंक्शन जो आपका किस प्रकार का है, वर्चुअल प्रकार का है, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो मैं लिखा इसका भी नाम और सिग्नेचर क्या है, सेम ही है, बस आगे क्या वर्चुअल कीवर्ड लिखा हुआ है, इसमें वर्चुअल कीवर्ड नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास से बनता है। तो मैंने लिखा void, show और आर्ग्यूमेंट क्या है आपका void, ये भी आपका क्या कर रहा है, मैसेज प्रिंट कर रहा है derived class show function। तो आपका ये फंक्शन खत्म और क्लास आपकी यहाँ पे खत्म हो गई। अब क्या करेंगे अपने कि अब अपने मेन फंक्शन लिखेंगे, क्या करेंगे अपने मेन फंक्शन को लिखेंगे और फिर क्या करेंगे इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं बेस पॉइंटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेस पॉइंटर, यानी बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाएंगे जो क्या करेगा अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेगा, पॉइंट करेगा, और फिर उसके द्वारा अपने उसके मेंबर को या उसके फंक्शन को अपने क्या कर पाएंगे एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा है इंट मैन, ये आपका क्या है मैन फंक्शन यहां पे शुरू हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसमें एक बेस पॉइंटर बना रहा हूं, तो बेस क्लास का, तो बेस क्लास का नाम क्या है बेस ही है, तो मैंने लिखा बेस पॉइंटर और उस पॉइंटर का नाम मैंने क्या दे दिया पी दे दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इसी क्लास का सॉरी बेस क्लास का बना एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा मैं बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो क्या करेगा कि आपके मेंबर को एक्सेस करेगा। तो मैंने लिख दिया मैंने बेस और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने कह दिया ओबीजे और मैंने बी दे दिया, ये पता चल जाएगा ये बी क्लास जो आपका बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है और बीजे बी। अब क्या कहते हैं कि अब मैं डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा, तो मैंने दिया डिराइव ओबीजे डी, इसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट किसका है डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है आपका। अब क्या करेंगे कि अब अपने बेस पॉइंटर के द्वारा क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे और फिर उस फंक्शन को अपने क्या कर पाएंगे एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं अब मैं पी बराबर, मैं क्या लिखूंगा पी बराबर एंड परसेंट यानी एड्रेस ऑफ, मैंने कहा पी बराबर एड्रेस ऑफ ओबीजे बी, मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं पॉइंट कर रहा हूं, तो मैंने दिया ओबीजे बी। वैसे अब क्या मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कहां चला गया आपके इस पॉइंटर वेरिएबल में चला गया, यानी अब इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कहां आ गया आपका इस पी नाम के वेरिएबल में आ चुका है। अब क्या करूंगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने क्या किया कि बेस पॉइंटर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या पॉइंट कर दिया है, तो अब मैं इसके फंक्शन को एक्सेस कर पाऊंगा या इसके मेंबर फंक्शन को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी एक्सेस ऑपरेटर, कौन सा करना है आपको, पहला फंक्शन आपका कौन सा है डिस्प्ले है, तो मैं लिखूंगा डिस्प्ले। डिस्प्ले और दूसरा फंक्शन भी मैं एक्सेस कर सकता हूं, मैंने लिखा पी एड्रेस ऑफ एरो कंसर्न, आपका कौन सा है शो, ठीक है। मैंने जो आपके बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा मैंने ये डिस्प्ले फंक्शन और शो फंक्शन को मैंने क्या किया कॉल कर लिया, या मैं उसको एक्सेस कर रहा हूं, वो आपका जो एरो कंसर्न वो आपका क्या एक्सेस ऑपरेटर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब जो आपके डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा पॉइंट करूंगा, किससे बेस पॉइंटर से, मैं बेस पॉइंटर से क्या कर रहा हूं मैं कि आपके डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा पी बराबर एड्रेस ऑफ ओबीजे डी, यानी आपका डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया जो बनाया था यहां पर मैंने इसको क्या किया इसके द्वारा पॉइंट किया, मतलब क्या हुआ कि डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस कहाँ आ गया इस पॉइंटर नाम के इस जो पी नाम के वेरिएबल में आ गया, जो किस प्रकार का आपका पॉइंटर के अंदर जो पॉइंटर प्रकार का है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने क्या पॉइंट कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसके यानी बेस क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं एक्सेस कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा मैं लिख रहा हूं पी एरो, इसमें भी क्या आपका डिस्प्ले फंक्शन है सेम नाम का सेम सिग्नेचर का, और इसमें भी क्या कर दिया मैंने सो, ठीक है। अब क्या किया मैंने जो आपके क्या नाम है डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया और उसके फंक्शन को मैंने क्या किया एक्सेस कर लिया,
तो अब इसमें कुछ बचा नहीं, तो अब मैं करता हूं उसको गेट सी एच और रिटर्न जीरो और आपका मेन फंक्शन का ब्रैकेट खत्म बंद। अब जो बात अब क्या है, बात आपकी समझने वाली है कि जो इसका आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा। मैं यहां लिख रहा हूं आउटपुट, जो आउटपुट क्या आएगा इसका, मैंने क्या किया कि बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया जिसको बोला जाता है बेस पॉइंटर, और मैंने इसमें क्या किया कि मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों? क्योंकि मैं इस पॉइंटर के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का कर सकूं, पॉइंट कर सकूं, और मैंने डिराइव क्लास में भी क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके द्वारा मैं क्या कहूँ कि बेस पॉइंटर के द्वारा इसको भी क्या करूं मैं पॉइंट कर सकूं। अब मैं जो पॉइंट करने के लिए क्या, मैंने क्या लिखा पी बराबर एड्रेस ऑफ ऑब्जे बी, यानी मैं अब बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बेस क्लास का एड्रेस कहाँ आ गया, आपका इस पी नाम के पॉइंटर वेरिएबल में आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसके फंक्शन को जब एड्रेस आ गया, तो एड्रेस क्या होता है, जब आप पॉइंटर को यूज करते हो तो आप जब क्लास बनाते हो तो क्लास में क्या होता है कि आपकी मेमोरी लोकेशन क्या होती है, एक ही होती है। मेमोरी लोकेशन क्या होती है आपकी, एक ही होती है, फंक्शन के लिए अलग होती है और ऑब्जेक्ट के लिए अलग होती है, और उसके डाटा मेंबर के लिए क्या होती है, अलग होती है। लेकिन मेमोरी लोकेशन क्या होती है आपकी, एक होती है, उसमें आपके क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। तो आपकी एड्रेस तो आपका आ चुका है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा क्या लिखा, पी एक्सेस डिस्प्ले फंक्शन। तो आपका जो डिस्प्ले फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसी बेस क्लास का पॉइंटर है और उसी क्लास का क्या नाम है ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या करेगा, आसानी से एक्सेस कर पाएगा। तो मैंने क्या डिस्प्ले फंक्शन क्या लिखा है, बेस क्लास डिस्प्ले। तो आपका जो यहां क्या लिखा है, बेस क्लास आउटपुट में डिस्प्ले, यानी आपको पता चलेगा कि ये आपका बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन आपका क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि पी एक्सेस कर रहा हूं मैं सो फंक्शन को, तो सो फंक्शन आपका किस प्रकार का है, वर्चुअल प्रकार का है, तो आपका ये एक्सेस हो जाएगा क्योंकि उसी क्लास का ही है। तो क्या मैसेज लिखा होगा, बेस क्लास वर्चुअल सो फंक्शन। तो यहां क्या लिखा है, बेस क्लास वर्चुअल सो फंक्शन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अब यहां पे बेस पॉइंटर के द्वारा डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूं। डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं मैं, पॉइंट कर रहा हूं। तो यानी अब क्या हुआ कि डिराइव क्लास के जो ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस कहां आ गया आपकी, इस पी नाम के वेरिएबल में, जो आपका पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल इसमें आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके फंक्शन को डिस्प्ले करूं, उसका नहीं मैं एक्सेस करूंगा। तो आपका डिस्प्ले फंक्शन क्या है, डिस्प्ले फंक्शन आपका क्या है कि सेम नाम का है जो आपके बेस क्लास में भी है, और इसका सिग्नेचर भी क्या है, सेम ही है। ये भी आपका वर्ड प्रकार का है, तो ये भी आपका क्या है, वर्ड प्रकार का है। नाम का डिस्प्ले, नाम डिस्प्ले, इसका एडिटर टाइप भी वर्ड है, इसका एडिटर टाइप भी वर्ड है। तो इस स्थिति में जो आपका जो डिस्प्ले फंक्शन है, ये आपका नॉर्मल फंक्शन है। ये आपने यहाँ पर क्या किया, नॉर्मल फंक्शन आपने इसको क्या क्या डिफाइन किया है, बेस क्लास में भी और डिराइव क्लास में भी। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब मैं इसके द्वारा इस फंक्शन को या क्या नाम बेस पॉइंटर द्वारा मैं डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ, डिराइव क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को, तो वो एक्सेस नहीं होगा, वो आपका एक्सेस नहीं होगा। वो किसको एक्सेस करेगा, वापिस बेस क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को ही एक्सेस करेगा, और क्या लिखा हुआ बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन। तो आपका जो आउटपुट आएगा यहां क्या आएगा, दोबारा वो लिखा आएगा बेस क्लास डिस्प्ले, क्या आएगा कि बेस क्लास डिस्प्ले। क्यों, क्योंकि आपका ये वर्चुअल प्रकार का फंक्शन आपने उसको नहीं बनाया है, आपका ये नॉर्मल फंक्शन है, तो आपके डिराइव क्लास के इस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि यूजर ने किस फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता था कि फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का नाम एक समान होता था, लेकिन उसके जो आर्ग्यूमेंट की संख्या या उसका प्रकार वो आपका क्या होता था, अलग अलग होता था, जिससे क्या है कंपाइलर समझ जाता था कि किस फंक्शन को कॉल किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फंक्शन का नाम भी एक है और उसका सिग्नेचर भी एक है, सिग्नेचर यानी उसका रिटर्न टाइप, उसके आर्ग्यूमेंट की संख्या, उसका प्रकार, वो सारे क्या है एक ही प्रकार है का है। तो इस स्थिति में कंपाइलर क्या है,
नहीं समझ पाता है कि किस फंक्शन को कॉल किया गया है, तो वो क्या करेगा कि आपके बेस क्लास के फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि आपका पी क्या, आपका बेस पॉइंटर है, तो वो क्या करेगा उसी क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा। तो आपका फंक्शन कौन सा कॉल होगा, आपका यही कॉल होगा, आपका मैसेज क्या आएगा, बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि बेस पॉइंटर द्वारा मैं सो फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, जो आपका क्या है कि डिराइव क्लास का ही बनाया गया है ये। लेकिन मैंने इस फंक्शन को क्या किया है कि बेस क्लास में वर्चुअल प्रकार का बनाया है। किस प्रकार का बनाया है, मैंने वर्चुअल प्रकार का बनाया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो क्या नाम है, जो आपका कंपाइलर क्या करेगा कि आपके डिराइव क्लास के इस सो फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा। तो यानी जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, डिराइव क्लास सो, डिराइव क्लास सो। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, आपका आउटपुट आएगा। तो ये प्रोग्राम मैंने बनाया, वो प्रोग्राम मैंने बताया था आपको समझाने के लिए बनाया कि वर्चुअल फंक्शन का यूज किस प्रकार से आपके सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कर सकते हैं और उसका इफेक्ट क्या प्रोग्राम में पड़ता है। अगर वो फंक्शन आपका वर्चुअल प्रकार का है उसका क्या नाम है प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा फंक्शन जो आपका नॉर्मल प्रकार का है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके प्रोग्राम में, जब आप प्रोग्राम को क्या करते हैं, क्लास को सॉरी इनहेरिट करते हैं तब। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।